इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपनी इनकमिंग कॉल को यहाँ पर कैसे बंद कर सकते हैं। आपके मोबाइल का जो यहाँ पर नेट है वो भी ऑन रहेगा और आपका सिम भी ऑन रहेगा, लेकिन आपके मोबाइल पे आने वाली जितनी भी सारी इनकमिंग कॉल हैं वो सभी बंद हो जाएगी। आपको कोई भी यहाँ पर कॉल नहीं आएगी और अपने मोबाइल में डाटा भी आप यहाँ भी पर यूज़ कर पाएंगे और आप जब चाहे तब उस इनकमिंग कॉल को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभाव यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप अपनी इनकमिंग कॉल को कैसे बंद कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डायलर में जाना होगा और डायलर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक कोड डालना होगा और कोड डालने के बाद रन करना होगा। सो आपके मोबाइल में जितनी भी आने वाली कॉल्स हैं वो सभी बंद हो जाएंगी। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टार फिर टू फिर वन फिर आपको स्टार डालना होगा और इसके बाद अगर आपके पास कोई आपका बंद मोबाइल नंबर है जिस पर कॉल ना लगती हो और जिस पर कभी फोन ना जाता हो, जो आपको कोई भी पुराना नंबर हो, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वरना मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ जो मतलब डमी नंबर है, उस नंबर पर कभी कोई फोन कॉल्स नहीं लगती है। सो नंबर को यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, उस नंबर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पर डालना होगा 98 12 34, इसके बाद 56 78, या फिर मेरे पास एक दूसरा भी नंबर है उसका नंबर है 96 51 84 20 76, तो वो भी आप डाल सकते हैं। सो आपको यहाँ पर हैश डालना होगा, हैश कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर उस नंबर, अगर आपके पास दो सिम है तो उसी नंबर से अप्लाई करना होगा जिस नंबर की आप इनकमिंग कॉल बंद करना चाहते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो देखिए MMI कोड अप्लाई और यहाँ पर देखिए कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्टर्ड एंड वाज सक्सेसफुली। अब ये कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो आपके मोबाइल पर सक्सेसफुली हो चुकी है। अगर कोई भी आप इस नंबर पर फोन मिलाता है आपके इसी मोबाइल नंबर पर जिस नंबर से आपने इसको अप्लाई किया, तो देखिए चलिए मैं दूसरे फोन से मिलाता हूं तो देखिए कैसी आवाज आती है, तो सो आप यहां पर सुन सकते हो। तो मैं अपने दूसरे फोन से इस नंबर पर फोन मिलाता हूं तो देखिए आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। डायल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। सो इस तरीके से आपको भी उस नंबर पर जब कोई भी आपके नंबर पर फ़ोन मिलाएगा आने वाली कॉल्स इनकमिंग कॉल के तहत पर आपको कोई फ़ोन मिलाएगा तो उसको भी इस तरीके से सुनाई देगा और उसका फ़ोन नहीं लगेगा। लेकिन आप जब भी आप चाहते हैं, खाली हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसे बंद करना कॉल फॉरवर्डिंग को और चाहते हैं कि कॉल आए अब हमारे मोबाइल नंबर पर, तो आपको यहाँ पर एक कोड और भी अप्लाई करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको हैज और 21 फिर आपको यहाँ पर देखिए हैज डालना होगा, देन आपको अपने कोड पर इस तरीके से अप्लाई कर देना हो तो यहाँ पर देखिए आपको लिख के आ जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग इरेज सक्सेस, जो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग है अब बंद कर दी गई है। अब अगर कोई भी फोन करेगा तो आपके नंबर पर फोन आना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कोई भी इनकमिंग कॉल को अपने मोबाइल नंबर पर बंद कर सकते हैं और जब चाहे आप खाली होते हैं जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर इसको बंद करके आप अपने इनकमिंग कॉल को भी चालू कर सकते हैं। सो आई भी छोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।